इस समय का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। अगर बात करें तो महबूबा मुफ्ती द्वारा जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर सत्यपाल मलिक को एक लीगल नोटिस जो है वो भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इसमें जो है साफ तौर पर उन पर लगाए जो इतने भी एलिगेशंस हैं उसके खिलाफ जो है उन्होंने ये लीगल नोटिस जो है महबूबा मुफ्ती को सौंपा है। और ये 3 पेज का लीगल नोटिस है और इसमें साफ तौर पर अंडर सेक्शन 80 जो है सीपीसी की उसके दौरान भेजा गया है। और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो लीगल नोटिस भेजा गया है इसमें जो फर्दर जो लीगल रिक्रोस है उसे परस्यू करना है। और इसमें जो उसमें साफ तौर पर लिखा है माई क्लाइंट हैज अर्न रेपुटेशन ऑफ बींग इम्पल्सिव ऑनेस्ट पॉलिटिशियन बाई डिंट ऑफ हर सेक्रीफाइसिज एंड हार्डवर्क इन हर पॉलिटिकल करियर स्पैनिंग ओवर 2 डिकेड्स। शी रिमेंड पार्लियामेंट्री एंड मेंबर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर असेंबली एंड हैज रिमेंड द चीफ मिनिस्टर ऑफ द अर्सवाइल स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। माई क्लाइंट कमांड्स ह्यूज रिस्पेक्ट अमंग मासेस दैट इज अमंग क्रॉस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी एंड स्पेक्ट्रम्स ऑफ रिलीजियस माइंडेड पीपल एंड डाउट ऑर्डर्ड अलॉन्ग विद द सिटीजन्स ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऑफ द एंटायर यूडी। तो उन्होंने साफ तौर पर जो है इसमें ये लिखा है कि उनकी एक रेपुटेशन है जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के लोगों के अंदर एक अलग रेपुटेशन है और जिसको कहीं ना कहीं खराब करने की बात की गई है। उन्होंने कहा कि मीडिया में इस समय एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा सर्कुलेट हो रहा है और इसमें अगर बात करें तो ये कहीं ना कहीं जो इस समय अगर बात करें सत्यपाल मलिक की तो वो मेघालय के गवर्नर हैं। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के वार्ता जो है जब बात की तो उन्होंने जम्मू कश्मीर के दिनों की बात की कि कैसे वो वहाँ पर काम कर रहे थे। और तकरीबन 23 सेकंड का वीडियो जो है वो लगातार जो है वायरल होता हुआ नजर आ रहा है। ये 23 सेकंड का वीडियो जो है लगातार वायरल हो रहा है और इसमें कहीं ना कहीं उनके बताया गया कि किस तरीके से जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने फ़ायदे लिए हैं दी जम्मू कश्मीर स्टेट लैंड लॉज के फ़ायदे जो हैं उन्होंने उस दौरान लिए हैं। रोशनी एक्ट के बारे में जब उन्होंने बात की तो उसमें उनका जिक्र किया है। और इन सभी एलिगेशंस को जो है साफ तौर पर गलत बताते हुए जो है ये लीगल नोटिस जो है ये सौंपा गया है सत्यपाल जो है मलिक हैं जो कि जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं उन्हें सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि अपने आप इसमें साफ तौर पर लिखा है बाय कंडक्टिंग यूर सेल्फ एज एन एक्स गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट एंड मेकिंग अटरेंस अबाउट द बेनिफिट बीइंग टेकन बाय माय क्लाइंट अंडर रोशनी एक्ट विच आर नॉट ओनली फॉल्स एंड इनकरेक्ट यू हैव डिफेम माय क्लेम क्लाइंट। तो इन्होंने लिखा है कि सिर्फ जितने भी ये बातें कही गई हैं ये सिर्फ गलत ही नहीं है साथ ही साथ कहीं ना कहीं उनकी जो एक पूरी प्रेस्टीज है और या उनकी एक इमेज है उसे खराब करने का जो काम किया गया है। तो साफ तौर पर जो ये उन्होंने लिखा है कि जो ये जिस तरीके से मीडिया के अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है जो वीडियो सर्कुलेट हो रही है उसके खिलाफ जो है ये एक लीगल नोटिस जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व जो गवर्नर रह चुके हैं सत्यपाल मलिक उन्हें सौंप दिया गया है। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के द्वारा ये सौंपा गया है। उन्होंने कहा है कि इसी के चलते जो है उनकी क्लाइंट ने ये पूर्ण रूप से डिसाइड किया है कि वो उन्हें सू करेंगी क्लेमिंग कंपनसेशन डैमेजेस फॉर लॉस ऑफ रेपुटेशन एंड गुड नेम्स अर्न बाय हर। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जो है लीगल नोटिस भेज दिया गया है। अब देखना ये होगा कि इसके बाद किस तरीके से जो है जम्मू कश्मीर के पूर्व गवर्नर जो है सत्यपाल मलिक वो अपना रिएक्शन देते हैं। मैं वो मुफ्ती के जो लगातार जिस तरीके से जो थोड़े दिन पहले एक प्रेस वार्ता में जो है सत्यपाल मलिक जम्मू कश्मीर की कई बातों को करते हुए नजर आए थे उसी दौरान जो है उन्होंने बताया था कि किस तरीके से कई फायदे जो है महबूबा मुफ्ती द्वारा भी लिए गए थे रोशनी एक्ट के द्वारा। तो कहीं ना कहीं उन सभी चीज़ों को नकारते हुए महबूबा मुफ्ती ने जो है सत्यपाल मलिक को एक लीगल नोटिस जो है वो सौंप दिया है। इस अपडेट में बस इतना ही। जुड़े रहें दी आर्थ न्यूज़ के साथ।